भ्रष्टाचारियों को मिल गया है अनोखा सुरक्षा कवच। राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार ने विधानसभा में उस विवादित बिल को पेश कर दिया है, जिसके तहत जजों, मजिस्ट्रेटों और अन्य सरकारी अधिकारियों, सेवकों को सुरक्षा कवच प्रदान किया जाएगा और सरकार की मंजूरी के बिना इनके खिलाफ ना तो कोई जांच होगी, ना ही मीडिया में उनके खिलाफ कुछ छापा जा सकेगा। यह अपराध दंड संहिता बिल हाल ही में लाए गए अध्यादेश का स्थान लेगी। बिल पेश होते ही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इसका पुरजोर विरोध किया, सदन में हंगामा किया और विधानसभा से वॉकआउट किया। इसके बाद हंगामा बढ़ता देख स्पीकर ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने काली पट्टी बांधकर प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट की अगुवाई में अध्यादेश के खिलाफ जयपुर में राजभवन तक शांतिपूर्ण मार्च किया। इसी दौरान कई नेताओं को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। सचिन पायलट ने आरोप लगाया कि राज्य की बीजेपी की वसुंधरा राजे सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान हुए करप्शन पर पर्दा डालने के लिए इस तरह का तुगलकी अध्यादेश लाए हैं। उन्होंने कहा कि यह बिल भ्रष्टाचार पर मीडिया का गला घोटने वाला है और वो इसके खिलाफ राष्ट्रपति को भी ज्ञापन सौंपेंगे। सूत्रों से बात करते हुए एक कांग्रेस विधायक ने इसे काला कानून करार दिया है और कहा है कि इसे किसी भी कीमत पर विधानसभा में पास नहीं होने देंगे। विधायक ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम वसुंधरा राजे दोनों के कामकाज का तरीका तानाशाही वाला है। इधर बीजेपी में भी इस प्रस्तावित कानून के खिलाफ विरोध की आवाजें उठने लगी हैं। वरिष्ठ बीजेपी नेता घनश्याम तिवाड़ी ने भी बिल के विरोध में सदन से वॉकआउट किया। गौरतलब है कि अध्यादेश का स्थान लेने जा रहे नए कानून के मुताबिक मीडिया भी 6 महीने तक किसी भी आरोपी के खिलाफ ना तो कुछ दिखाएगी और ना ही छापेगी, जब तक कि सरकार एजेंसी उन आरोपों के मामले में जांच की मंजूरी ना दे दे। इसका उल्लंघन करने पर 2 साल की सजा हो सकती है। 6 दिसंबर को जारी अध्यादेश आपराधिक कानून अध्यादेश 2017 को बदलने के लिए सरकार राजस्थान विधानसभा में आपराधिक प्रक्रिया विधेयक लाई है। अध्यादेश में प्रावधान है कि सरकार 180 दिन के अंदर मामले की छानबीन करने के बाद मंजूरी देगी और उसे खारिज करेगी। अगर 180 दिन में सरकार ऐसा नहीं करती है तो माना जाएगा कि सरकार ने जांच की मंजूरी दे दी है। अब ऐसे में हर सवाल एक ही सवाल की तरफ इशारा करता है। अगर कोई दोषी हुआ और 6 महीने के भीतर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो दोषी को कैसे पकड़ा जाएगा, और अगर दोषी द्वारा कोई अलग हथकंडा अपनाया गया और सबूतों को मिटा दिया गया तो सरकार इसके लिए दोषी होगी या फिर जांच कमेटी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन टाइम्स।